मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री जी। कल आपने बताया कि संत हमें अनुशासन नहीं संभावना देते हैं। ये जागी हुई संभावना हमारे रूपांतरण में किस प्रकार सहायक होगी, कृपया स्पष्ट करें। संत अनुशासन क्यों देगा? संत तुम्हें अर्थात एक बुद्ध, एक गुरु जो वास्तव में गुरु है, तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं के प्रति जागृत कर देता है और फिर तुम्हारे भीतर से तुम्हारा अपना एक अनुशासन निकलता है। जागृत कर देता है का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हें जगाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कहीं पर एक जलती हुई आग और उसके पास कुछ और लकड़ियां रख दी जाएं, तो धीरे धीरे उस जलती हुई आग के साथ वो भी अपने जलने की संभावना को तलाश लेती है। ज्यादा नजदीक पहुंच जाएं तो जल उठती है। गुरु एक संत, एक बुद्ध एक ऐसी ही जलती हुई आग की तरह, तुम उसके पास होते हो वो लपट तुम्हारे भीतर भी उतरने लगती है और तब तुम्हारे भीतर का असार जलता है, जो अवास्तविक है, नॉन एसेंशियल है, वो जलता है और जो एसेंशियल है, आवश्यक है, वो बचता है। और जब भी किसी के जीवन से नॉन एसेंशियल, अनावश्यक हटता है, उसके जीवन में एक विशेष किस्म का अनुशासन आता है। ये अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, ये अनुशासन किसी धारणा या मान्यता से नहीं आया होता है, ये अनुशासन आत्मिक है। तो एक संत के सानिध्य में इसी आत्मिक अनुशासन का प्रादुर्भाव होता है, उसका प्रकट होना होता है। संभावनाओं के प्रति खुल जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संभावनाएं फलीभूत तो होती रहेंगी, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन पहले उनके प्रति जागे तो जीवन कितना सुंदर है, जीवन में कितने गहरे जाने की संभावना है, ये सब हम देख पाए, जीवन के उस वैभव और उस ऐश्वर्य को हम देख पाए, तो हम व्यर्थ की जो भागदौड़ है उससे बच जाएंगे, व्यर्थ के जो जीवन के क्रियाकलाप हैं उनसे बच जाएंगे। तो ये सारा बचाव हमको एक ठीक दिशा में ले जाएगा। कोई कहने नहीं आएगा तुमसे कि तुम ये करो ये ना करो, तुम वही करोगे तुमको जो सर्वाधिक उचित जान पड़ रहा होगा। एक बार पता चल जाए तुमको कि जो सर्वोत्तम जीवन है वो कैसा होता है, तो फिर किसी के बताने की जरूरत ही नहीं, तुम अपने आप ही उस चुनाव को कर लोगे। Thank you.